हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम 12th फिजिक्स का टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, करंट कई तरह का बिहेवियर शो करता है। करंट के टू टाइप्स होते हैं, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। और ये करंट थ्री टाइप का प्रॉपर्टी शो करता है, हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। देखिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एक बड़ा सिलेबस है और यह एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशन, बहुत से टॉपिक हैं इसमें, तो आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम आज के अपने फर्स्ट वीडियो में इसके बेसिक फंडामेंटल और कुछ रूल्स पर बात करेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां पर चैप्टर के नाम से क्लियर है, इसको आप लोगों ने 10th क्लास में भी थोड़ा सा पढ़ा है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मींस इलेक्ट्रिसिटी या किसी सर्किट में करंट पास करने से मैग्नेटिक फील्ड का डेवलप होना। सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया वो है ऑस्टेड। ऑस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्चुअल में इन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया कहना चाहिए, ये एक एक्सीडेंटल इवेंट था। क्या हुआ कि ये अपने लैब में इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और इनके इंस्ट्रूमेंट में जहाँ पर ये करंट सप्लाई कर रहे थे जिस केबल में, उस केबल के पास ही एक मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ था, मैग्नेटिक नीडल रखा हुआ था। ये एक इत्तेफाक था कि जहाँ पर वो सर्किट में करंट सप्लाई कर रहे थे उनके लेबोरेटरी में वहाँ पर एक मैग्नेटिक कंपास भी रखा हुआ था। तो जैसे ही इन्होंने इसमें करंट पास किया तो ऑस्टेड ने क्या देखा कि इस मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो वो चौंक गए। उन्होंने ये चीज़ कभी देखा नहीं था, अचानक उनके ध्यान में गया कि जब मैं करंट सप्लाई करता हूँ अपने केबल में तो ये मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन क्यों शो करता है। बस इतनी सी बात थी और ऑस्टेड ने यहीं पर यह बात डिक्लेयर किया कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। दैट मीन्स इफ करेंट पासेस थ्रू एनी करेंट कैरिंग कंडक्टर देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड, इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट। तो ये इनका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था कहना चाहिए, जहां पर ऑस्टेड ने बताया कि किसी भी करेंट कैरिंग कंडक्टर में यदि हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। नेक्स्ट साइंटिस्ट इज मैक्सवेल। मैक्सवेल का रूल, तो मैक्सवेल ने राइट हैंडेड स्क्रू का मतलब क्या होता है, जिस स्क्रू को क्लॉकवाइज टर्न करने से वो टाइट होता है, राइट हैंडेड स्क्रू है। तो इन्होंने राइट हैंडेड स्क्रू की हेल्प से एक रूल इन्होंने बताया जिसको हम राइट हैंडेड स्क्रू ला बोलते हैं। आप इमेजिन करिए कि सपोज ये एक स्क्रू है, यह एक स्क्रू है और इस राइट हैंडेड स्क्रू है। अब यदि इस स्क्रू को हम टर्न करते हैं तो सपोज ये हमारे इसका टर्न करने का डायरेक्शन है और ये स्क्रू के अंदर जाने का डायरेक्शन है। तो मैक्सवेल ने बताया कि ये जो डायरेक्शन है वो फोर्स को, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड को, फोर्स मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, और ये करेंट को, ये करेंट को शो करता है। That means, if right-handed screw, the direction of screw show current, then the direction of the turning of the screw is represent force or magnetic field. And the next is right-hand grip rule or right-hand thumb rule भी कहते हैं इसको। इसको thumb के help से represent किया कि suppose इस तरह से अपने पास कोई current carrying conductor है और इस करंट कैरिंग कंडक्टर को सपोज हम
इस तरह से सपोज ये कंडक्टर है और ये इसके करंट फ्लो होने का डायरेक्शन है, सपोज आई इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। अब हम इसको राइट हैंड से इस तरह से पकड़े, देखिए जैसे थम्स अप का लोगो होता है ऐसा हम उसको पकड़े, ये मेरा फिंगर्स का टर्निंग और थम को आप देखिए, यदि हम इसको इस तरह से पकड़ें तो ये जो थम का डायरेक्शन होगा, ये सपोज थम का डायरेक्शन है, वो करंट को शो करेगा और फिंगर्स का जो टर्न होने का डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फोर्स या फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। इसका जस्ट अपोजिट है, देखिए इसमें करंट नीचे डाउनवर्ड है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, क्लॉकवाइज है, और यहाँ पर देखिए करंट अपवर्ड है तो एंटी क्लॉकवाइज है। ये जो रूल्स हैं वो पेपर पर, सपोज ये मेरे पास एक पेपर है, इस पेपर पर इसको मैं प्लेन सरफेस ले लिया और ये मेरा मार्कर इस पर क्या है, एक स्क्रू है, ये स्क्रू है। अब यदि मैं इस स्क्रू को टाइट करूं, इस तरह से टाइट करूं, तो ये जो नीचे का डायरेक्शन है वो करंट का डायरेक्शन होगा और ये जो डायरेक्शन है उसे मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से हम क्या करते हैं, इसे शो करते हैं। तो फर्स्ट रूल, फर्स्ट इज ऑस्टेंड एक्सपेरिमेंट, सेकंड इज मैक्सवेल लॉ, एंड आफ्टर दैट एम्पियर्स स्विमिंग लॉ। एम्पियर ने क्या किया, एक स्विमर को, देखिए यहां पर मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दूं, एम्पियर्स स्विमिंग रूल, ये जितने साइंटिस्ट हैं इन लोगों ने क्या किया, कुछ एग्जांपल लेके, जैसे इन्होंने स्क्रू को लेके, इसको थंब को लेके, इन्होंने एक स्विमर को, एक तैरने वाले पर्सन को लेके रूल को एक्सप्लेन किया किस तरह से। देखिए सपोज ये कंडक्टर है और कंडक्टर के सामने यहाँ पर कोई मैग्नेटिक नीडल रखा हुआ है, सपोज मैं ये मैग्नेटिक नीडल बना दिया, इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, और एक स्विमर है इस तरह से, ये सिंबॉलिक एक मैं स्विमर बना दिया, सपोज ये इसके हैंड है, ये सपोज इसका लेफ्ट हैंड है, सपोज इसका राइट हैंड है। अब ये स्विमर क्या कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है इस तरह से। ये यहाँ पर प्रैक्टिकल देखिए कि ये जो मार्कर रखा हूँ वो कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, मैं स्विमर हूँ और मैं अपने फेस को इधर रख के, मतलब कंडक्टर की तरफ रख के ऐसा स्विमिंग करूँ। तो एम्पियर ने बताया कि जिस साइड में इस स्विमर का लेफ्ट हैंड मूव होगा, ये लेफ्ट हैंड मूव होगा, उधर इस मैग्नेटिक फील्ड का, इस मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल, और जिधर इसका राइट हैंड होगा वो साउथ पोल, उधर डिफ्लेक्शन होता है। दैट मीन्स द लेफ्ट हैंड ऑफ द स्विमर रिप्रेजेंट नॉर्थ पोल एंड राइट हैंड ऑफ द स्विमर रिप्रेजेंट साउथ पोल। तो इस तरह से एक स्विमर को लेकर इन्होंने एम्पियर स्विमिंग रूल बताया। ये जितने भी रूल्स हैं ये किसी न्यूमेरिकल्स में या किसी कॉन्सेप्ट में हमको यूज में आते हैं, जब हम कोई न्यूमेरिकल्स बनाते हैं तो फाइनली हमको उसका डायरेक्शन शो करना होता है या कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन, तो ये जो बेसिक फंडामेंटल है आप इसको ध्यान में रखेंगे। नाउ नेक्स्ट रूल इज बायो सेवर्ट ला। बायो सेवर्ट ने फिर, अभी तक देखो आप जितने साइंटिस्ट देख रहे हो इन्होंने सिर्फ ये बताया कि करंट पास करने से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है तो किधर नॉर्थ फील्ड डेवलप होगा किधर साउथ पोल होगा ये बताया। लेकिन बायो सेवर्ट एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैग्नेटिक फील्ड का मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके बताया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर। तो नाउ नेक्स्ट रूल इज बायो सेवर्ट लॉ, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट रूल। बायो सेवर्ट लॉ, ये टू साइंटिस्ट हैं, इनका कंबाइंड नेम है बायो सेवर्ट लॉ। इन्होंने क्या बताया, देखिए सपोज अब वी हैव ए करेंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एंड अमाउंट ऑफ करेंट पासेस थ्रू द कंडक्टर इज सपोज आई। हमारे पास एक करेंट कैरिंग कंडक्टर है और हम उसमें आई करेंट फ्लो कर रहे हैं। इस कंडक्टर में हमने एक स्मॉल डिस्टेंस ले लिया, स्मॉल लेंथ ए बी हाफ लेंथ डी एल, क्योंकि इसका लेंथ इनफाइनाइट है हमने इसमें एक स्मॉल लेंथ ले लिया डी एल, और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर सपोज
एक पॉइंट पी है, और इस स्मॉल एलिमेंट के लिए यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सपोज डी बी है, और इस स्मॉल एलिमेंट को इस पॉइंट से मिलाने पर जो लाइन बना वहाँ पर एंगल सपोज थीटा है। क्लियर, वेरिएबल्स आ गए समझ में। आई इज अमाउंट ऑफ करेंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड स्मॉल एलिमेंट, थीटा इज द एंगल बिटवीन स्मॉल एलिमेंट एंड द एलिमेंट। तो अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन फोर फैक्टर्स। फर्स्ट इज डी बी प्रोपोर्शनल टू आई, दैट मीन्स द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करेंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। फर्स्ट इज डी बी प्रोपोर्शनल टू आई, सेकेंड इज डी बी प्रोपोर्शनल टू डी एल, दैट मीन्स ये जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो स्मॉल एलिमेंट के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंड थर्ड इज डी बी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, दैट मीन्स यहाँ पर जो थीटा एंगल बना है उसके साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंड फोर्थ इज डी बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द आर स्क्वायर। क्लियर, ये फोर फैक्टर बायो सेवर्ट ने बताया। क्या क्या बताया एक बार रिपीट करता हूँ, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी स्मॉल एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करेंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द एलिमेंट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों को हम मिला दें तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ इसको कंबाइन कर दें तो क्या मिल जाएगा अपने को, डी बी प्रोपोर्शनल टू आई डी एल बी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। क्लियर, दैट इक्वल इसको सिंप्लीफाई करें तो डी बी इक्वल टू यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के लिए कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हमने यहाँ पर एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर, वेयर द वैल्यू ऑफ के इज म्यू नॉट अपॉन 4 pi इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 10^-7। के का जो वैल्यू होता है वो म्यू नॉट अपॉन 4 pi होता है और वो न्यूमेरिकली 10^-7 के इक्वल होता है, इसको एक्सपेरिमेंट से फाइंड किया गया है। वेयर म्यू नॉट इज मैग्नेटिक परमिबिलिटी, मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ द एयर आर वैक्यूम। क्लियर, अब यहाँ पर देखो इसके का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दें तो देयर फॉर डी बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 pi आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। ये इसका फाइनल रिलेशन है जिससे हम इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर, के का जो वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 pi इक्वल टू 10^-7। क्लियर, देखिए मैं क्या किया एक बार आपको रिपीट करता हूँ, डी बी प्रोपोर्शनल टू आई, डी बी प्रोपोर्शनल टू डी एल, डी बी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, डी बी प्रोपोर्शनल टू वन अपन आर स्क्वेयर। ये फोर रिलेशन हम कंबाइन कर दें तो डी बी प्रोपोर्शनल टू आई डी एल सॉरी ये नहीं रहेगा ना डी एल साइन थीटा अपन आर स्क्वेयर, ये हो गया आई डी एल साइन थीटा अपन आर स्क्वेयर। नाउ वेक्टर फॉर्म, इट्स वेक्टर फॉर्म, यदि हम इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम r मल्टीप्लाई r डिवाइड करते हैं। यहाँ पर देखिए डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 pi आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन हो जाएगा r क्यूब। हमने क्या किया, r मल्टीप्लाई किया, r डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर में r क्यूब हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 pi, आपको पता है ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर में मैंने आपको पढ़ाया था बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा, ये आपको फार्मूला पता होगा क्रॉस प्रोडक्ट का। तो यहाँ पर डी एल आर साइन थीटा, ए के जगह में क्या है डी एल है और बी के प्लेस में क्या है आर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं आई, तो स्केलर क्वांटिटी हो गया डी एल क्रॉस आर अपॉन
आर क्यूब, अब ये वेक्टर फॉर्म हो जाएगा, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द बायो सावर्ट लॉ। क्लियर, ये इसका कार्टेशियन फॉर्म है, उसका वेक्टर फॉर्म है। तो बायो सावर्ट का जो रूल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे हम चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो इस पर बेस्ड होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसका एप्लीकेशन प्रायः बोर्ड एग्जाम में, अल्टरनेट ईयर में, सभी बोर्ड में, चाहे आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हों, चाहे किसी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं या आप CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, तो बोर्ड एग्जाम में बायो सावर्ट का एप्लीकेशन आता ही है। 90% चांस रहता है इस क्वेश्चन का हमेशा आने का, तो हम उस क्वेश्चन को प्रिपेयर करते हैं, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्ट लॉ। क्लियर, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्ट लॉ। इसके एप्लीकेशन तो 4 एप्लीकेशन है हमारे सिलेबस में, ओनली 1 एप्लीकेशन है सभी बोर्ड के सिलेबस में, तो वो अपन तैयार करते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन बायो सावर्ट लॉ, एंड फर्स्ट एप्लीकेशन इज, एक ही एप्लीकेशन पढ़ना है अपने को इसका, ये हमारे सिलेबस में है, सभी बोर्ड के सिलेबस में ओनली 1 एप्लीकेशन है, इन कैलकुलेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर क्वाइल। सर्कुलर क्वाइल, कैलकुलेशन ऑफ बी ड्यू टू सर्कुलर क्वाइल, मतलब क्या हुआ कि सपोज हमारे पास एक सर्कुलर क्वाइल है और उस सर्कुलर क्वाइल में करंट पास करने से कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है ये हमको कैलकुलेट करना है। तो यहां पर हम कंसीडर कर लेते हैं एक सर्कुलर क्वाइल, इसके एक्सिस को हमको शो करना है, तो सर्कुलर क्वाइल को कुछ हम इस तरह से कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि हमको इसका एक्सिस शो करना है, ये इसका एक्सिस है, ये एक सर्कुलर क्वाइल है, सेंटर है ये, सपोज हमने इसका रेडियस ए सपोज कर लिया, और इसमें जो करेंट फ्लो हो रहा है वो आई है। अब यहां पर देखिए, ये हमने यहां पर एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, ये ए बी, ए भी एक स्मॉल एलिमेंट है, और इसका हमने लेंथ सपोज कर लिया क्या dl। अब हम क्या करेंगे, इस स्मॉल एलिमेंट को इसके साथ में कनेक्ट कर देंगे, ये इस पॉइंट पर, और O से लेके इस पॉइंट तक जहां पर हमको इंटेंसिटी चाहिए, सपोज ये P पॉइंट है, और O से लेके P तक के डिस्टेंस को हमने सपोज x सपोज कर लिया, और स्मॉल एलिमेंट से यहां तक के डिस्टेंस को हमने सपोज कर लिया R। अब यहां पर जो इंटेंसिटी होगा P पॉइंट पर, इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा यहां पर परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन, ये सपोज C पॉइंट है, तो परपेंडिकुलर ऑन PC, मतलब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पर हम सपोज करते हैं इस एंगल को थीटा फाई, सपोज यहां थोड़ा ध्यान देंगे आप, ये यदि फाई है, क्लियर, तो हम यहां पर dB के 2 कंपोनेंट्स फाइंड करते हैं, फर्स्ट इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट दिस, एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये लाइन है इस लाइन पर परपेंडिकुलर है एक्सिस पर। अब देखिए ये जो एंगल है 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, यदि ये 90 डिग्री है तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस फाई, यहां पर मैं लिख देता हूं आपको समझाने के लिए, बाद में उसको इरेज कर दूंगा, 90 माइनस फाई हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीट 90 है, ये फाई माइनस करेंगे 90 माइनस फाई हो जाएगा। अब देखिए ये वाला एंगल 90 डिग्री है, जो रेड कलर का आपको दो दिख रहा है वो 90 डिग्री है, ये 90 है, 90 माइनस फाई है, तो इसको क्या होना चाहिए, फाई होना चाहिए, तभी 90 माइनस फाई प्लस फाई क्या होगा, 90 होगा। क्लियर, तो ये मैंने इसको यहां से इरेज कर दिया। अब देखिए dB के कंपोनेंट्स, देखिए इस फिगर को आप ध्यान समझिए, पूरा कैलकुलेशन फिगर पर बेस्ड है, किसी भी फिजिक्स के बड़े कैलकुलेशन पर जिसका कैलकुलेशन 15 स्टेप नियर अबाउट 20 स्टेप हो और उसमें कोई फिगर हो, तो पहला आपका काम है कि आप उस फिगर को बहुत अच्छे समझिए, क्योंकि टोटल कैलकुलेशन फिगर पर बेस्ड है। क्लियर, नाउ द कंपोनेंट ऑफ dB के 2 कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, एक कंपोनेंट तो फाई का पास वाला हो जाएगा ये dB cos फाई, और दूर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा dB sin फाई,
ये टू कंपोनेंट्स रहेंगे, क्योंकि एंगल के पास का जो कंपोनेंट होता है उसमें कॉस फैक्टर होता है और दूर वाले में साइन फैक्टर होता है। नाउ अगेन कंसीडर डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ए डैस बी डैस। डायमेट्रिकली अपोजिट मतलब इस डायमीटर के जस्ट अपोजिट में हमने एक पॉइंट और सपोज कर लिया एंड इट्स लेंथ इज आल्सो डीएल, देन अगेन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट इज डीबी। ये डीबी हो जाएगा, सेम टू सेम वैसे ही होगा। यहां पर हम इसको फाई ले लें तो यहां पर भी फाई हो जाएगा, एज इट इज पूरा वैसे ही होगा। और यह कंपोनेंट हो जाएगा डीबी कॉस फाई और यह हो जाएगा डीबी साइन फाई। अब यहां पर देखिए, सपोज ये पी एन डायरेक्शन है और ये पी एन डैश डायरेक्शन है। तो यहां पर आप फिगर को देखिए, ये जो पी एन डायरेक्शन है वो पी एन डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट है और ये डीबी कॉस फाई है, भी डीबी कॉस फाई है। दैट मीन्स डीबी कॉस फाई कंपोनेंट्स आर अपोजिट इन डायरेक्शन एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड, देयरफॉर दे आर कैंसल टू ईच अदर। अब क्या करेंगे, ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर लेंगे। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं ये जो दोनों कंपोनेंट्स हैं डीबी साइन फाई एंड डीबी साइन फाई, ये दोनों का डायरेक्शन सेम है तो ये ऐड होते जाएंगे। इस तरह से इसमें हम और बहुत से एलिमेंट्स ले लें। अभी हमने दो एलिमेंट लिया, इस तरह से हम इसमें ऐसा एलिमेंट ले लें, फिर ऐसा एलिमेंट ले लें। जितने भी एलिमेंट्स लेंगे सब के जो कॉस फाई एलिमेंट है दे आर कैंसल टू ईच अदर बिकॉज दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड जस्ट अपोजिट इन डायरेक्शन, देन डी बी कॉस फाई कंपोनेंट्स आर कैंसल टू ईच अदर। बट द डायरेक्शन ऑफ डी बी साइन फाई आर सेम, देन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज द सम ऑफ डी बी साइन फाई। चूंकि डी बी साइन फाई का कंपोनेंट्स क्या है, डायरेक्शन सेम है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, उनका इंटीग्रेशन हो जाएगा या सिग्मा हो जाएगा। दो मेथड है, दोनों से बना सकते हैं। तो फिगर क्लियर है आप लोग को, एक बार फिगर मैं आपको रिपीट करता हूं क्योंकि पूरा का पूरा जो हमारा कैलकुलेशन है फिगर पर बेस्ड है। देखो एक बार फिगर क्लियर करता हूं मैं। ये एक सर्कुलर कॉयल है, सर्कुलर कॉयल में हमने आई करेंट फ्लो किया। आई करेंट फ्लो करने से इसके एक्सिस के पी पॉइंट पर इस एलिमेंट डीएल के कारण इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ डीबी। हमने इसको फाई लिया तो यह भी फाई हुआ, तो डीबी के टू कंपोनेंट्स मिल गए, डीबी कॉस फाई एंड डीबी साइन फाई। अगेन वी कैन टेक ए स्मॉल एलिमेंट डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ए डैश बी डैश व्हिच इज आल्सो डीएल लेंथ एंड अगेन द कंपोनेंट्स ऑफ डीबी इज डीबी कॉस फाई एंड डीबी साइन फाई। क्लियर? एंड इट इज क्लियर दैट डीबी कॉस फाई एंड डीबी कॉस फाई आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, देन दे आर कैंसल टू इच अदर, बट द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज द सम ऑफ डीबी साइन फाई। ये एक्सप्लेनेशन के बाद हम इसका कैलकुलेशन रिजल्टेंट इंटेंसिटी। नाउ रिजल्टेंट इंटेंसिटी बी इक्वल टू सिग्मा डीबी साइन फाई। क्लियर? सिग्मा डीबी साइन फाई। सिग्मा क्यों लगाया, सिग्मा मतलब सम। दैट इंप्लाइज बी इक्वल टू सिग्मा, ये है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वी नो दैट, यहां पर मैं फार्मूला लिख देता हूं, अभी हमने यूज किया है बायो सेवर्ट ला से हम जानते हैं क्या, डी बी इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बट इन दिस केस दिस इज थीटा एंड थीटा इज 90 डिग्री। देखो अभी मैंने बायो सेवर्ट रूल में आपको समझाया कि स्मॉल एलिमेंट और उस पॉइंट के बीच में जो लाइन ड्रा करते हैं उसके बीच का जो एंगल बनता है वो थीटा होता है। तो यहां पर थीटा 90 डिग्री है, क्यों, क्योंकि टेंजेंट है। टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये टेंजेंट है, ये जो रेड एंग का मेरा लाइन है वो इस पॉइंट पर टेंजेंट है, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री होने से ये साइन 90 को हम हटा देंगे, साइन 90 इज 1। तो ये जो वैल्यू है उसको हम यहां पर पुट करेंगे, डीबी का वैल्यू। क्लियर? तो डीबी का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर इनटू द वैल्यू ऑफ साइन फाई। डीबी का वैल्यू मैंने ये पुट अप किया यहां से, और साइन फाई का वैल्यू क्या होगा आप फिगर में देखिए।
ये फाई है, ये आर है, ये एक्स है, ये ए है, क्लियर। तो साइन फाई दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, हियर परपेंडिकुलर इज ए एंड हाइपोटेनियस इज आर, एंड द वैल्यू ऑफ आर इज दिस इज परपेंडिकुलर बेस। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम द वैल्यू ऑफ आर इज ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, क्लियर। तो साइन फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए अपॉन आर, दैट मीन्स ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। तो हमने यहाँ पर साइन फाई का वैल्यू पुट अप कर दिया, ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, ये आपका वैल्यू पुट अप कर दिया। आर का वैल्यू हम एक बार इसको आर रहने दो, चलो ठीक है, उसके बाद पुट अप करेंगे। चलो ए अपॉन आर दैट इक्वल कांस्टेंट क्वांटिटी को हम बाहर कर दिए, तो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, आई भी कांस्टेंट है इंटू ए भी कांस्टेंट है, और आर इंटू आर का मल्टीप्लीकेशन हो गया आर क्यूब, और सिग्मा के अंदर बच गया ओनली क्या डी एल, क्योंकि डी एल वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है, क्योंकि डी एल हमने स्मॉल एलिमेंट लिया है और बहुत से इसमें स्मॉल एलिमेंट है। दैट इक्वल म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई इंटू ए अपॉन, अब हम आर का वैल्यू यहां से पुट अप कर देते हैं, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर थ्री, और सिग्मा डी एल। अब यहां आप ध्यान दीजिए सिग्मा डी एल क्या होगा, ये एक डी एल स्मॉल एलिमेंट है, ऐसे पूरे स्मॉल एलिमेंट जब सम हो जाएंगे, सिग्मा मतलब सम, तो पूरे के पूरे स्मॉल एलिमेंट जब सम हो जाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, क्लियर। तो सर्कल का सर्कमफेरेंस फाइंड हो जाएगा जो कि हो जाएगा 2 पाई ए, क्योंकि इसका रेडियस हमने क्या लिया है, ए लिया है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इंप्लाइज बी इक्वल म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, यहां पर देखिए ए का ए के मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 पाई आई इंटू ए स्क्वायर अपॉन, यहां पर रूट मतलब पावर हाफ होता है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3 बाई टू। नाउ इफ नंबर ऑफ टर्न्स इज एन, यहां पर मतलब क्या हुआ इसका, अभी हमने एक केबल लिया है, सपोज हम ऐसे बहुत सारे केबल को बाइंडिंग करके एक क्वाइल को बनाते हैं सपोज, तो नंबर ऑफ टर्न्स मतलब हमने एन टाइम्स इसको केबल को बाइंडिंग किया है, तो एन यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देयर फॉर बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू पाई एन आई इंटू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3 बाई टू, दिस इज द फाइनल इक्वेशन। बट हियर ए स्पेशल कंडीशन, स्पेशल केस क्या है, यहां पर देखें स्पेशल केस, एट सेंटर ऑफ क्वाइल, फिगर में देखिए, सपोज ये जो पी पॉइंट है जहां पर हमने इंटेंसिटी फाइंड किया, अब वो यहां ना रह के हम उसको सेंटर में फाइंड करना चाहते हैं, दैट मीन्स हम उस पॉइंट को अब हम क्वाइल के सेंटर में लाना चाहते हैं, देन एक्स द वैल्यू ऑफ एक्स इज जीरो, जब पी पॉइंट यहां आ जाएगा तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू जीरो, देयर फॉर बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, आप फिगर को देखिए, ये फार्मूला देखिए, ये जीरो हो गया। अब वहां ध्यान दीजिए आप, इसको जीरो होने से ए स्क्वायर पावर थ्री बाई टू, ये जब सिंप्लीफाई करेंगे तो पावर टू टू के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ए क्यूब में ए स्क्वायर फिर सिंप्लीफाई होगा, तो एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो फार्मूला अपने को मिल जाएगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू पाई एन आई अपॉन ए, दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द क्वाइल, दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस, एक्सिस के किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी इतना होगा और सर्कुलर क्वाइल के सेंटर पर इंटेंसिटी इतना होगा, क्लियर। ये है एप्लीकेशन ऑफ बायोसेवर्ट लॉ, यदि आपको एग्जाम में एक्सिस के किसी पॉइंट पर पूछता है तो आप उसको यहां तक निकाल देंगे, और यदि आपको उसको सेंटर में पूछता है तो आप यहां तक कैलकुलेशन करेंगे और फार्मूला भी लर्न कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स इसे बहुत ज्यादा कवर होता है।
क्लियर। मैं सर बता देता हूँ वो शॉर्टकट मेथड क्या है कि सपोज आपको एग्जाम में सीधा सेंटर पर पूछे, एक्सिस की बात ना करें, डायरेक्ट सेंटर, तो आप इस लॉन्ग प्रोसेस से जाने के बजाय आप इस फार्मूला को डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। तो आप जैसा आपका रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं। अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, एट सेंटर, डायरेक्ट एट सेंटर, सर्कुलर कॉइल, एट सेंटर। देखिए ये बहुत आसान है, ये सर्कुलर कॉइल लिया, अब हम कॉइल को सर्कुलर ले लिए डायरेक्ट, ये इसमें हमने सपोज आई करेंट फ्लो कराया, ये इसका सेंटर है, ये सपोज इसका रेडियस ए है। अब यही हमको इंटेंसिटी चाहिए, तो हमने क्या किया, इस सर्कुलर कॉइल में स्मॉल एलिमेंट छोटा छोटा ले लिया, ये सपोज ले लिया एक्स वन, या यहाँ से हम ले लेते हैं इस पॉइंट्स का नाम एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड सो वन, ये हम स्मॉल एलिमेंट ले लिया एक्स वन एक्स टू एक्स टू एक्स थ्री एंड सो वन। क्लियर, डायरेक्ट हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं कैलकुलेशन इंटेंसिटी। नाउ इंटेंसिटी बी, इंटेंसिटी सबसे पहले स्मॉल एलिमेंट के लिए ड्यू टू एक्स वन एक्स टू एलिमेंट, सपोज हमने पहले ये जो स्मॉल एलिमेंट एक्स वन एक्स टू के लिए इंटेंसिटी निकाला तो क्या हो जाएगा, उसको हमने ले लिया सपोज डी बी वन इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी एल साइन थीटा तो वन हो जाएगा अपॉन एक्स वन आई डी एल, तो डी एल का वैल्यू यहाँ पर क्या है एक्स वन एक्स टू होगा, स्मॉल एलिमेंट को हमने क्या ले लिया एक्स वन एक्स टू, आई डी एल साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर, ए इसका रेडियस है, यह बायो सावर्ट रूल लगा दिया। अगेन फॉर एक्स टू एक्स थ्री एलिमेंट, सपोज जैसे हमने एक्स वन एक्स टू के लिए वैसे किसके लिए लिया एक्स टू एक्स थ्री के लिए, उसका हमने कह दिया डी बी टू, डी बी टू इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एलिमेंट इज एक्स टू एक्स थ्री अपॉन रेडियस इज ए एंड सो ऑन, ऐसा डी बी थ्री डी बी फोर ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर टोटल इंटेंसिटी, देयरफॉर टोटल इंटेंसिटी बी इक्वल टू सम हो जाएगा सबका डी बी वन प्लस डी बी टू एंड सो ऑन, एल्जेब्रिक सम कर लिया सबका, तो टोटल इंटेंसिटी बी ये जो छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट्स के लिए इंटेंसिटी उसका सम का इक्वल हो जाएगा। अब इसका हम वैल्यू पुट अप कर दें और कॉमन फैक्टर को बाहर कर दें, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई वन अपॉन ए स्क्वायर अंडर ब्रैकेट एक्स वन एक्स टू प्लस एक्स टू एक्स थ्री प्लस एंड सो वन, क्लियर, दैट इक्वल म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, यहाँ पर आई होता है ना, यहाँ आई लिखना भूल गया मैं, ये आई रहेगा आई अपॉन ए स्क्वायर। अब देखिए ये स्मॉल एलिमेंट्स का सम है, इस फिगर को देखिए, ये जो स्मॉल एलिमेंट है ये पूरे का जब सम हो जाएगा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा सर्कमफेरेंस हो जाएगा, तो सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा उसका टू पाई ए, टू पाई ए, देयर फोर बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, यहाँ पर एक ए कैंसिल होगा तो टू पाई आई अपॉन ए। अब जैसे वहाँ पर हमने नंबर ऑफ टर्म्स को एन लिया था तो देयर फोर फॉर एन टर्म्स बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू पाई एन आई अपॉन ए। देखिए कितना आसान हो गया, ये फार्मूला वही आया जो अभी मैंने निकाला था, मतलब मैं एक अल्टरनेट मेथड बताया आपको और कुछ नहीं, अभी इससे पहले जो मैंने कैलकुलेट किया उसके हेल्प से आप सर्कुलर कॉइल के एक्सिस के किसी पॉइंट पर भी इंटेंसिटी निकाल सकते हैं और उसमें कंडीशन अप्लाई करके उसके सेंटर पर भी निकाल सकते हैं, लेकिन बाय द वे आपको एग्जाम में डायरेक्ट सेंटर पूछता है तो आप उस लेंदी मेथड में जाने के बजाय इस मेथड से आपको सॉल्व कर सकते हैं, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, लेकिन डायरेक्ट सेंटर पूछेगा तो और थ्रू एक्सिस पूछेगा तो आपको उसी मेथड से बनाना पड़ेगा। क्लियर, तो ये मैंने आज के अपने
सेशन में आपको बताया मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का बेसिक फंडामेंटल। एक बार आपको मैं अपना आज का लेक्चर रिवाइज कराता हूँ। फर्स्ट ऑस्टेड ने बताया कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास करने से उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। आफ्टर दैट मैक्सवेल ने स्क्रू और राइट हैंड थंब के हेल्प से उसके फील्ड को बताया। एम्पियर्स ने एक स्विमर के हेल्प से, स्विमिंग करने वाले पर्सन के हेल्प से, उसने लेफ्ट हैंड राइट हैंड के तरफ किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया ये बताया। और फाइनली बायो सेवर्ट नाम के दो साइंटिस्ट ने मिल के इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मैथमेटिकल वैल्यू बनाया, म्यू नॉट अपन 4π आईडीएल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर। और फिर हमने पढ़ा इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ बायो सेवर्ट ला। क्लियर, ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, आगे का आपको इसका कंटेंट चाहिए तो आपको मेरा सेकंड पार्ट का वीडियो आपको देखना पड़ेगा। ये फर्स्ट पार्ट था, तो सेकंड पार्ट में हम आपके लिए लेके आएंगे एम्पियर्स सर्किटल ला। जैसे हमने आज बायो सेवर्ट पढ़ा, नेक्स्ट पढ़ेंगे एम्पियर सर्किटल ला। इसको कंटिन्यूअस देखते रहिए तो आपको पूरा चैप्टर प्रॉपर प्रिपेयर हो जाएगा।